नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं लाया हूं घरेलू नुस्खा जिसमें आप मिलीबग कंट्रोल कर सकें। घर के कुछ सामान यूज करके आप आसानी से आपके जो गुड़हल के पौधे हैं और भी कोई कितने सारे पौधे जहां पर आपके मिलीबग या सफ़ेद चिपचिपे कीड़े लग जाते हैं, उसको आप आसानी से आप मिटा सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ नज़दीक से। मिलीबग थोड़े रुई की जैसे लगते हैं, इस तरह के होते हैं, पूरे पौधे को ख़राब कर देते हैं। पूरे पौधे का रस जो होते हैं उसको चूस लेते हैं और पूरे पौधे को बर्बाद कर देते हैं। तो काफ़ी सारे गुड़हल जाती है टाइप के जितने भी पौधे होते हैं, या फिर पोटूलो का होता है, या फिर सनफ्लावर होता है, और भी बहुत सारे पौधे में होते हैं। ये मैं दिखाता हूँ घरेलू। फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको लेना है क्लोवाइल, जिसका हम लौंग का तेल कहते हैं। वो आपको आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा आसानी से। एक लौंग का तेल का वायल खरीद लीजिए। ये लौंग का तेल का पैकेट मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। इस तरह से लौंग का तेल का पैकेट आता है, वो हमारे दांत के दर्द के रोग में लगता है। और ये है आफ्टर सेब लोशन, जिसमें काफ़ी मात्रा में अल्कोहल होता है। तो आफ्टर सेब लोशन के 2-3 ml, और कुछ ले ले आप जो लिक्विड सोप होता है, या फिर हैंड वॉश हो या डिश वॉश हो, कोई भी लिक्विड सोप हो, तरल जो साबुन होता है वो, उस तरह से लिक्विड सोप ले ले। तो इस तरह से मिला के आप आसानी से इसको बना सकते हैं, एक नुस्खा, एक तरल नुस्खा, जिससे आप आसानी से घरेलू जो नुस्खा है उससे आप आसानी से मिलीबग कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, लेता हूँ मैं एक स्प्रेयर। इसमें मैं डालूंगा करीब 200 ml पानी, इसमें डाल देता हूँ। 200 ml इसमें पानी ले लेता हूँ मैं, और उसमें मैं मिलाऊंगा करीब आप 1 ml इसमें मिलाएंगे आप लौंग का तेल। तो मैं दिखाता हूँ, पहले ये लौंग का तेल का भायल है, इसमें से मैं करीब 1 ml इसमें से ले लूँगा। 1 ml, 1 ml में लौंग का तेल इसमें डाल लेता हूँ। लौंग का तेल काफ़ी तीखा होता है और इसमें काफ़ी झाँझ होती है इसमें। और ये दूसरा मैं लेता हूँ, 3 ml में लिक्विड सोप लेता हूँ। ये डिटोल का लिक्विड सोप है मेरे पास, ये लिक्विड सोप ले लेता हूँ। कोई भी लिक्विड सोप हो, डिश वॉश हो, हैंड वॉश हो, कोई भी तरह का लिक्विड सोप ले ले, और इसमें मिला ले थोड़ा सा अल्कोहल। ये अल्कोहल क्या करेगा, ये सफ़ेद चिड़चिड़े कीड़े हैं उसके ऊपर एक मोम का लेयर होता है, वैक्स का लेयर होता है, उसको हटाएगा, और उसके साथ इसको जो लौंग का तेल है उसको कीड़े को मारेगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रेयर में लेने के बाद स्प्रेयर को बंद करके इसको अच्छी तरह से इसको सेक कर लें। इसको सेक करने के बाद ये अच्छी तरह से मिला लें, और मिलाने के बाद ये देखिए आप, सफ़ेद रंग का दूध का जैसा कलर का एक लिक्विड बनेगा। इस तरह से कलर का लिक्विड लेके ये तब जब बन, 1 मिनट के करीब हिलाइए इसको, और उसके बाद ये जो सेक करने के बाद ये देखिए तैयार हो गया हमारा घरेलू एक सॉल्यूशन। इससे आप आसानी से जो मिलीबग है ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से जो इंसेक्ट्स हैं उसके ऊपर स्प्रे कीजिए, पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे कीजिए, पूरे पौधे को नहला दीजिए, ताकि कहीं पर भी इंसेक्ट हो, पत्ते के नीचे, पत्ते के ऊपर, टहनी में हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी ये बचे नहीं। और इस तरह से आप स्प्रे कर दें, और करने के बाद आपको एक दिन नहीं, ये आज करने के बाद 3 दिन बाद फिर करना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि फिर एक बार 3 दिन बाद करना पड़े। 2 या 3 बार बार प्रयोग करेंगे तो आपके 100% गारंटी है कि आपके मिलीबग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप स्प्रे कीजिए, और मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। और भी मेरे पास कुछ पौधे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे मात्रा में मिलीबग का अटैक हो गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ पीछे के इस एरिया में, जहाँ पर मेरे काफ़ी सारे पौधे को मैंने प्रूनिंग कर दिया है मिलीबग के प्रॉब्लम की वजह से। चलिए दिखाता हूँ, वहाँ पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए, काफ़ी सारे यहाँ पर हिबिस्कस गुड़हल के पौधे हैं, जिसको मिलीबग के प्रॉब्लम के कारण मैंने प्रूनिंग कर दिया है। अभी भी काफ़ी सारे मिलीबग इसमें लगे हुए हैं, तो इसको भी मैं स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये नज़दीक से देखिए, सफ़ेद चिपचिपे कीड़े हैं, कॉटन के जैसे, रुई की जैसे दिखते हैं, और इसको अच्छी तरह से मैं स्प्रे कर दूंगा। और ये देखिए, पूरे पौधे को आप अच्छी तरह से नहलाइए, और कहीं पर भी खाली नहीं मत छोड़िए, ताकि कहीं पर भी 1-2 भी मिलीबग आपका बच जाएगा तो फिर से आपका पूरा पौधे में वो अटैक कर लेगा। तो इस तरह से और भी जो पौधे हैं, मैं इसको मैं कर देता हूँ स्प्रेयर। और ये छोटे वाले हमारे जो गुड़हल है, उस तरह का फूल है, इसमें सैकड़ों फूल खिलते हैं एक एक पौधे की तरफ। और इस तरह से मैंने प्रयोग करने के बाद, और इसके बाद 3 दिन में फिर वापस आऊँगा, और उसके बाद मैं दिखाऊँगा। दोस्तों, 2 दिन बाद आपका स्वागत है। हमने कंट्रोल किया था 2 दिन पहले, अब देखिए काफ़ी सारे मिले वगैरह इसमें कम हो गए हैं। जो सफ़ेद चिपचिपे कीड़े हैं ये काफ़ी नीचे गिर गए हैं, नीचे गल के मर गए हैं, और करीब करीब साफ हो गया पौधा एक बार स्प्रे करने से। और फिर भी 2-4 बच गए हैं इस बार, तो 2-4 जो बचे हुए हैं उसको फिर मैं स्प्रेयर करूँगा। आज स्प्रे करूँगा वही पुराना ही नुस्खा, और 200 ml पानी उसमें 1 ml में डालूंगा नीम, नीम ऑयल नहीं, ये क्लोव ऑयल, उसमें डालूंगा कुछ आफ्टर सेब लोशन, 2 या 3 ml आफ्टर सेब लोशन मिला लीजिए।
और उसके बाद मिलाइए आप उसमें पानी और कुछ लिक्विड सोप, लिक्विड सोप मिला लीजिए 2 से 3 ml आप लिक्विड सोप मिला लीजिए उसमें, कोई भी कंपनी भीम का हो, डेटोल का हो, कोई भी भीम मिला लिए। आज मैं एडिशनली इसमें मिलाऊंगा कुछ हमारे पास नीम ऑयल है, 2 ml में नीम ऑयल मिला दूंगा। 2 ml नीम ऑयल मिलाने से इसका इफेक्ट काफ़ी तगड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और कोई भी मिलीबाग आपका जो है बचेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने मिला लिया इसको, मिलाने के बाद अच्छी तरह से सेक कर लूँगा, सेक करने के बाद फिर से मैं पौधे के ऊपर स्प्रेयर कर दूंगा। तो चलिए देखता हूँ, मैं इस अच्छी तरह से सेक करने के बाद ये जो व्हाइट लिक्विड बन गया है इसको मैं स्प्रे कर देता हूँ, पूरे पौधे के ऊपर नहला देता हूँ। तो उम्मीद है कोई भी मिलीबाग अब इसमें बचेगा नहीं। तो ये जो नीम ऑयल है, कुछ जो आफ्टर सेव लोशन है और उसमें लिक्विड सोप है, उसके साथ जो जो मैंने डाला है और जो हम आपका जो लौंग का तेल, उससे क्या होगा इसमें मिलीबाग में जितने भी मिलीबाग है सारे मिलीबाग मर जाएंगे या फिर हट जाएंगे यहाँ से जितने भी हैं। और अगर आपके पास दो एक बचा हुआ है तो इसको आप कोई भी ब्रश ले लें, ब्रश ले अच्छी तरह से एक दो जो चिपक गए हैं बहुत ज़ोर से उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, क्योंकि एक भी मिलीबाग इसमें बचा नहीं रहना चाहिए। कोई भी एक दो बचा हुआ है उसको आप ब्रश के हेल्प से उसको हटा दें, हटाने के बाद आप उसको फिर से एक बार स्प्रे करते हैं तो आपके मिलीबाग बचेंगे नहीं और पौधे आपके सारे साल स्वस्थ रहेंगे और बहुत बहुत सारे फूल देंगे। अगर मिलीबाग का अटैक बहुत ही ज़्यादा है, अगर आपके पास कोई चारा नहीं है, इस तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं केमिकल भी दिखाता हूँ आपको किस तरह से केमिकल यूज करेंगे, कितना डोजेस में देंगे, और आपको उस तरह का केमिकल अगर यूज करेंगे तो आपके पूरे बागान में एक भी मिलीबाग बचेगा नहीं। ये देखिए थायोमेथक्सम है, ये एक्ट्रा नाम से आता है ये बाजार में, और एक्ट्रा ये बहुत अच्छा केमिकल है केमिकल कंट्रोल के लिए। ये थायोमेथक्सम एक्ट्रा है, सिंजेंटा का ये केमिकल है, और ये 1 ग्राम आप 1 लीटर पानी में डालिए, या फिर आप सिम्बूस दे सकते हैं, ये साइपरमेथ्रिन कंपाउंड है, 1 ml पर लीटर में डालिए, या फिर हमला इस तरह का आता है साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफॉस का कंपाउंड आता है, 1 ml पर लीटर में डाल के अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। आपका लाखों कीड़े होंगे वो भी एक भी नहीं बचेंगे इसमें मिलीबाग, और इस तरह इसका कंट्रोल करने विशेष करके थायोमेथक्सम जो एक्ट्रा है वो रामबाण है आपको मिलीबाग कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए, पसंद है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल में, आप मेरे चैनल में देखते रहिए, आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए, बहुत बहुत